हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चले हम लोग चले हैं यहाँ पर क्लास 10th IT 402, और आप लोगों का जो चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम लोग उसको बड़े ही शॉर्ट के अंदर आज की क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। तो आपका पेपर है जो अगर मान लीजिए कल या परसों या एक दो दिन में आपका एग्जाम है और आप इस वीडियो के अंदर आए हैं, तो मैं शॉर्ट के अंदर आपको चीजें हैं जो बता रही हूँ यहाँ पर। अगर आपको डिटेल में चीजें करनी है तो ऑफ कोर्स आप मेरे चैनल पर जैसे जाएंगे और नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पर आपके सिलेबस की सारी जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगी। थोड़ा सा नीचे आओगे, देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको मैंने 9 लेक्चर्स के अंदर मैंने विद प्रैक्टिकल आपको बता रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप, और एक एक करके आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा। मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट को, कीज को, इन सब को मैंने बड़ा ही डिटेल में करा रखा है, ठीक है। अगर आप मान लो किसी भी एक टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो आप अगर होम पर या वीडियोस में किसी पर भी आए और मान लीजिए आपको कीज देखना है, ठीक है, तो आप कीज यहाँ पर आपने डाला और देखे नीचे ये क्लास 10th IT 402 का आपको कीज वाला लेक्चर है जो मिल जाएगा। खैर हम लोग चलते हैं एंड अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर आप लोगों के डेटाबेस चैप्टर के साथ में, ठीक है। तो एक बड़े ही शॉर्ट के अंदर हम चीजें यहाँ पर करेंगे, हम लोग बड़े ही शॉर्ट के अंदर चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज डीबीएमएस के साथ में, क्योंकि एक सवाल का जवाब मिलेगा तो आपको इन तीनों सवालों के जवाब है जो मिल जाएंगे। डेटा क्या है? किताबी भाषा कहती है कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स सच एज सिंबल, लेटर्स, नंबर्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट। ये तो हुई किताबी भाषा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डेटा क्या है? आपसे जुड़ा क्या हो सकता है? आपका नाम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, अभी आप एग्जाम देने वाले हो, उस एग्जाम की डेट, उस एग्जाम का नाम, है ना, हर चीज क्या है आपसे जुड़ी, क्या है? डेटा है, ठीक है। तो डेटा कोई एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई ग्राफ हो सकता है, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, नंबर्स, कोई क्वांटिटी। अब ये सारी चीजें क्या है? डेटा है। बस आपको यही चीज इस किताबी भाषा के तौर पर या इस रूप में आपको लिखनी थी। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। तो मैंने अगर आपका नाम लिखा, मैंने लिखा राम श्याम, मैंने फादर नेम या एग्जाम का नाम मान लीजिए IT 407 कोड लिख दिया, है ना, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। तो यही हमारा क्या है? डेटा है, ठीक है। तो डेटा, ये सारी चीजें मैंने जो लिखी हुई है, दैट इज डेटा। अब जब हम अपने डेटा का एक मीनिंगफुल, एक सेंसिबल, एक अर्थ निकालते हैं, तो वही चीज क्या हो जाती है? इंफॉर्मेशन हो जाती है। द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जैसे पिछले एग्जाम्पल के अंदर मैंने ऐसा लिखा सुनीता, फिर मैंने लिखा कोमल, फिर मैंने लिखा मान लीजिए कोटा, मैंने लिखा 23, मैंने लिखा 24, 10 और डेनी। अब आपको कुछ पता चल रहा है कि कौन सा डेटा किससे बिलोंग कर रहा है? कुछ भी नहीं पता चल रहा। मेरे को नहीं पता कि ये सुनीता, कोमल, कोटा, 24 ये एज है कि इनके मार्क्स हैं, कि एग्जाम की डेट है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जब हमने इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके में, एक ऑर्गेनाइज वे में इसको लिख लिया एक टेबल के अंदर, तब ये जाकर के एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए है जो बन गई, है ना। तो सुनीता सिटी कोटा है उसकी, एज उसकी इतनी है, तो अब दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो हम अपने कंप्यूटर को डेटा देते हैं, अब वो हमें एक इंफॉर्मेशन निकाल करके देता है, यानी कि एक सेंसिबल, एक आप कह लो कि जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है। ओके, अब द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड और अपडेट बाय यूजर इज नोन एज डेटाबेस। डेटाबेस अगर हम कहें, अगर आप डेटाबेस की डेफिनेशन अपनी किताबों से पढ़ोगे, तो आपको अधिकतर ये लिखा हुआ मिलेगा कि डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर, जिसमें हम डेटा को रखते हैं डेटाबेस के अंदर। जैसे टिफिन के अंदर हम क्या रखते हैं? खाना रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस खाने को आगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको खाना होगा, है ना, तो हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे आगे है जो काम आ पाए। वैसे ही डेटा को हम कहाँ रखते हैं? डेटाबेस के अंदर रखते हैं। तो डेटा हमने पता चल गया, अब डेटा को ही जब हमने ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर रखा, तो वो क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन इंफॉर्मेशन के अंदर भी क्या है? डेटा है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन का, ऐसे ही डेटा का जो कलेक्शन है, हम कहाँ रखते हैं? हमारे डेटाबेस के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए,
मैनेज कर पाए, उसको फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो अपडेट कर पाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारी फोन डायरेक्टरी का, तो जैसे ही मान लो मेरे को कोई दोस्त मिलता है कि अच्छा मेरा ये फोन नंबर है, तो मैं उसका फोन नंबर अपने फोन के अंदर डालती हूँ, उसका नाम सेव करके रख लेती हूँ। मान लो 4-5 साल बाद फिर से वो बंदा मिलता है, मैं उसे दोबारा फोन नंबर मांगती हूँ। अब मैं जैसे ही उसका दोबारा ना फोन नंबर सेव करूंगी ना, तो मुझे आगे से पता चल जाएगा कि दिस डेटा इज ऑलरेडी इन योर डेटाबेस। तो आप उसको दोबारा सेव करने चाहोगे तो भी वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि अच्छा ये आपके पास ऑलरेडी है फोन, आपकी फोन डायरेक्टरी के अंदर है ना। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में मुझे उसका नाम वाम भी चेंज करना है तो मैं अपडेट कर सकती हूँ इजिली। अगर मुझे एक्सेस करना हुआ तो भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ, मैनेज तो वो खैर हो ही रहा है। तो डेटाबेस हमारी ये मदद करता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर रखते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, हमारे डेटा को इजिली एक्सेस कर पाए, मैनेज कर पाए और अपडेट कर पाए। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेज्ड बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें एक टर्म आ रही है विच इज डीबीएमएस। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हम मदद लेते हैं ये सारे काम कराने के लिए, जो भी हमने ऊपर लिखे हैं, एक्सेस करना, मैनेज करना, अपडेट करना। तो ये सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प है जो यहाँ पर करेगा। द एप्लीकेशन दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी तक आपको कुछ चीजें समझ में आई, दैट इज व्हाट इज डेटा। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स सच एज सिंबल, लेटर्स, नंबर, यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट। देन आपको पता चला व्हाट इज इंफॉर्मेशन, देन यू गेट टू नो दैट व्हाट इज डेटाबेस, एंड देन यू गेट टू नो दैट व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट। अब जिस डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं ना कि जो हमारी ऐसे हेल्प करेगा, तो उसको क्रिएट करने में यही हमारी मदद करता है, उसको मैनेज करने में यही डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करेगा। ठीक है, डीबीएमएस लेट्स यूज़ इट टू क्रिएट डेटाबेस। हम इसी की मदद से क्रिएट कर पाएंगे, इसी की मदद से हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर पाएंगे, इसी की मदद से हम अपने डेटा को आगे फ्यूचर में मैनेज कर पाएंगे, अपडेट, मोडिफाई, रिट्रीव यानी कि फैच कर पाएंगे। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कुछ कुछ नाम सुना होगा, माई एसक्यूएल का, ओरेकल का, PostgreSQL का, SQL सर्वर का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, MongoDB। तो ये जितने भी आपने नाम सुने हैं ये सारे ही DBMS के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा DBMS डेटाबेस इन सब का कंसेप्ट हो चुका है जी, क्लियर। मैंने आपको समझा दिया, प्लस मैंने आपको डेफिनेशन भी है जो दे दी है। अब इसके एडवांटेज क्या है, कुछ एडवांटेज आपने अभी सुन लिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको किताबी भाषा को ही रट्टा मार के लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी सामने वाले को बस समझ में आनी चाहिए चीज, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। रिडंडेंसी यहाँ पर जो है नहीं होती अगर हम डीबीएमएस का यूज है जो करते हैं, यानी कि हमारे डेटा का डुप्लीकेसी का कोई चांस ही नहीं है। वही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, वो जो दोस्त आपको फोन नंबर दे रहा था, अब जैसे ही आप उसका फोन दोबारा एंटर करोगे तो आपको बता देगा कि भाई दिस नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर फोन डायरेक्टरी। अब जैसे मान लीजिए आपने खाता खुलवाया किसी बैंक के अंदर, अब दोबारा जाते हो तो पता चल जाएगा ना कि इस बंदे का ऑलरेडी खाता है, तो रिडंडेंसी के चांसेस जीरो हो जाते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा शेयर करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक टेबल के अंदर डेटा है, दूसरी टेबल में है, तीसरी टेबल के अंदर है, मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर एक एग्जाम टेबल में आपका डेटा है, दूसरा आप लोगों के क्लास टीचर का है, और तीसरा मान लीजिए आपका फीस वीस का है, तो कुछ डेटा अगर इधर से चाहिए, इधर से चाहिए, इधर से चाहिए, तो दैट कैन बी एक्सेस इजिली। हमारे पास आगे चल करके ऐसे फंडाज, रिलेशनशिप वगैरह के ऊपर काम करते हैं हम लोग, जिसमें हम एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर जब हमारा डेटा होता है तो हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, हमारा जो डेटा है, डेटा इंटीग्रिटी मींस डेटा इज एक्यूरेट, सही है डेटा, एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। एक्यूरेसी से मतलब है कि आपका डेटा जो है ना, जो भी आपके डेटाबेस के अंदर है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाली गई है, नहीं, दैट डेटा इज कम्प्लीटली करेक्ट, एक्यूरेट डेटा है उसके अंदर जो भी आपने डाला हुआ, कुछ भी नहीं कि आकर के आप कह लो कि एग्जाम टेबल के अंदर जो डेटा उसका इससे आता पता नहीं है, इसका इसको आता पता नहीं है, नहीं, जो भी डेटा होगा दैट विल बी एक्यूरेट, उसकी इंटीग्रिटी है जो डेटा की वो बनी हुई होगी अगर आप डेटाबेस का यूज है जो करते हैं। डेटा की सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए हमने फाइल के अंदर अपने डेटा को रखा होता तो कोई भी आकर के खोल करके आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर लेकर के चला जाता, लेकिन वही अगर डेटा मैंने
अपने डेटाबेस के अंदर रखा है तो कोई भी उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए अथॉरिटी परमिशन की जरूरत है जो पड़ेगी। तो डेटा की सिक्योरिटी भी है जो मेंटेन रहती है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर। प्राइवेसी ऑफ कोर्स ये इसी के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। द प्राइवेसी रूल इन डेटाबेस स्टेट्स दैट ओनली द ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस, जिसको अथॉरिटी है वही आपके डेटाबेस को एक्सेस है जो कर सकता है, ठीक है। तो हर कोई इसमें से आपके डेटा को नहीं है जो एक्सेस कर सकता। बैकअप एंड रिकवरी, बिल्कुल ऐसा है कि मान लीजिए आपने फाइल में डेटा रखा है, फाइल फट गई, खो गई, गुम गई, कुछ भी हो गया, तो वो डेटा की रिकवरी दोबारा कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने अपना डेटा डेटाबेस के अंदर रखा है तो आप अपने डेटा को कहीं भी एक तो एक्सेस कर सकते हो, और अगर वहां से मान ले डिलीट हो जाता है तो आप दोबारा अपने डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, तो रिकवरी हो जाती है आपके। बैकअप भी है जो रख सकते हैं। अब डेटा कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है कि मान लीजिए मेरा एक रिकॉर्ड है जो मेरे क्लास टीचर के पास में है, और दूसरा है मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर है, और तीसरा है मान लो किसी एग्जाम नाम की एक टेबल के अंदर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने अपना जो फोन नंबर है अपने क्लास टीचर को कह करके तो चेंज करा लिया, लेकिन बाकी जो टेबल है वहां पर कौन कराएगा। यहाँ पर मेरा फोन नंबर एक्स वाई जेड से पी वाई क्यू हो गया, लेकिन बाकी जगह तो मेरा फोन नंबर एक्स वाई जेड ही है ना, तब उसको कौन है जो चेंज कराएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे ही डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो गई ना यहाँ पर। तो आप अगर मतलब एक जगह चेंज होता है तो सब जगह चेंज है जो मेरा डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सेम ही बंदे का एक जगह फोन नंबर कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी के अंदर है जो आता है। तो ये सारे एडवांटेज हो गए हमारे डेटाबेस के, ठीक है, कि हमारी रिडंडेंसी नहीं होती है अगर हम डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं। डेटा शेयर हो सकता है, डेटा की इंटीग्रिटी है जो बनी रहती है, डेटा सिक्योर रहता है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है, बैकअप और रिकवरी हो सकता है हमारा डेटा, और डेटा की कंसिस्टेंसी हो रहती है, इनकंसिस्टेंसी नहीं होती हमारे डेटा की, ठीक है। मल्टीपल उसकी जितनी भी कॉपीज है तो एक जगह चेंज होगा तो वो सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन टू वेज, पहला फ्लैट फाइल्स हो गया, दूसरा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि टेबल की फॉर्म में हम अपने डेटा को रखते हैं। फाइल्स जो नॉर्मल फाइल आप कह लो, लाइक पुटिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन इन वन लिस्ट, एक सिंपल एक फोल्डर के अंदर, एक फाइल के अंदर हमने अपने डेटा को रखा हुआ है, दैट इज फ्लैट फाइल के अंदर। ये सारे एडवांटेज, वहां पर इसके डिसएडवांटेज बन जाते हैं फ्लैट फाइल्स के अंदर। इमेजिन डिफरेंट लिस्ट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड सम इन्फो लिंक्स बिकॉज इट्स रिलेटेड। तो रिलेशन में क्या हो जाता है कि मान लीजिए कुछ डेटा इस टेबल में है, कुछ डेटा इस टेबल में है, कुछ डेटा इसमें है, तो ये सारी टेबल के आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इससे कुछ चीज चाहिए और इससे भी चीज चाहिए तो मैं इजिली एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्लैट फाइल्स के लिए अटेंडेंस रजिस्ट्री एक बेस्ट एग्जांपल होगा। डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, यूजली सुइटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा के लिए ओके रहता है, लेकिन जब डेटा हमारा बढ़ जाता है तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी जरूरत है, जो हमें पड़ती है। नाउ व्हाट इज आरडीबीएमएस, व्हाट इज टेबल, व्हाट इज ट्यूपल, व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज डेटा आइटम। रिलेशन यहाँ पर लग गया तो दैट मीन्स जो हमारा डेटा टेबल के अंदर था ना, अब हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेबल जो शब्द है ना उसको भी हम रिलेशन कहते हैं, आगे चल करके हम इसी चीज को देखने वाले हैं। RDBMS is a database management system that is based on relational model. ये एक मॉडल पर बेस्ड है जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल। इन द रिलेशनल मॉडल ऑफ अ डेटाबेस ऑल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स इसके अंदर लिखा नहीं हुआ है, बट यस हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अपने डेटा को रखते हैं, और जब ये ग्रुप्ड टुगेदर हो जाते हैं, मतलब एक टेबल को आप क्या कहोगे, टेबल जिसमें रोज एंड कॉलम्स है, तो टेबल को ही रिलेशन है जो बोला गया है यहाँ पर। अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज इन टर्म द रिलेशनल मॉडल इज रिलेशनल डेटाबेस। तो ये जिस पर बेस्ड है, जिस मॉडल पर, वो है रिलेशनल मॉडल, कुछ नहीं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपका जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म के अंदर होगा, रोज एंड कॉलम्स होंगे। रोज को आप ट्यूपल कहोगे, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट कहेंगे, टेबल को हम रिलेशन कह रहे होंगे, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल पहले जिस इंसान जिसने इस दुनिया को इससे रूबरू कराया था, हुज नेम वाज टेड कोड, 1970 की बात है, IBM में बंदा काम कर रहा था, उसने दुनिया को इस चीज से वाकिफ कराया कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या चीज है। आगे चलते हैं। कॉलम्स और रोज का एक कॉम्बिनेशन होती है हमारी टेबल, है ना। टेबल को हम टेबल बोलते हैं, लेकिन एक टेबल हमारी रिलेशन बन जाती है जब हम RDBMS की बात है जो करते हैं।
हम ट्यूपल्स कहते हैं किसको, रोज को. हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं किसको, कॉलम्स को, या कॉलम्स इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, जो भी आपका मन करे. इसमें जितना भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है, विच इज कॉल्ड डेटा आइटम्स. RDBMS, ये जो हमारे कॉलम्स थे, इनको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे. कहीं कहीं आपने देखा होगा फील्ड नेम भी इनको बोला जाता है. ये सारी क्या होंगे, आपकी रोज होंगे, जिनको आप ट्यूपल या रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, और आपकी टेबल का नाम इज कॉल्ड रिलेशन. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, ये सारे क्या हो गए, आपके फील्ड नेम या एट्रीब्यूट हो गए. तो अगर इसमें पूछे कितने रिकॉर्ड हैं, रो हैं या ट्यूपल हैं इसके अंदर, तो आप कहोगे 3 है. आपकी टेबल का नाम विच इज कॉल्ड रिलेशन. ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टेबल है, इनको हम कहेंगे कि ये एम्प्लॉय रिलेशन है. अब एसक्यूएल क्या है, क्वेरीज क्या है. एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है. ये जितनी भी चीजें आपने सोची हैं या अभी देखी हैं, पढ़ी हैं, जो भी मैंने आपको चीजें बताई, वो रियल लाइफ में कैसे जो है इम्प्लीमेंट होंगे, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये जो DBMS के सॉफ्टवेयर है ये भी कैसे काम करेंगे, जब ये लैंग्वेज है जो सपोर्ट करेगी, ये लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर पाते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. SQL एक लैंग्वेज है जो कि हेल्प करती है, हेल्प अस टॉक टू एंड मैनेज इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस. जिस डेटाबेस की बात करी ना तुमने, कि जिसमें तुम्हारा डेटा जाएगा, उस डेटाबेस को क्रिएट करने में हेल्प कराती है, आपके डेटा को एंटर करने में हेल्प कराती है, आपके डेटा को फ्यूचर में आपको उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना, जो भी चीजें करनी है वो इसी की क्वेरीज के थ्रू है जो होंगी. ठीक है, आपका डेटा है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर है, कौन सी टेबल की स्ट्रक्चर के अंदर है. ठीक है, तो अब उसको यही जो लैंग्वेज है ना SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि हम डेटा बेस से क्वेरी करते हैं. ठीक है, तो वो क्वेरी लैंग्वेज है, तो क्वेरीज हम लोगों को याद करनी पड़ेगी. बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है. क्वेरीज क्या होती है, थिंक ऑफ क्वेरीज लाइक आस्किंग क्वेश्चन टू अ स्मार्ट डेटाबेस. You can ask it to show specific information or do different tasks, and it understand because you are using SQL, the language it speaks. या ऊपर भी ये लिखा था, talk to the database. Database से अब कैसे करोगे, सपने में तो आप कर नहीं पाओगे कि भाई SQL मतलब लैंग्वेज है, आपको सीखनी पड़ेगी, इसमें क्वेरीज है ना. डेटाबेस से मुझे अब बात करने का मतलब है, मुझे अपने डेटा को एक्सेस करना है, डेटा को अपडेट करना है, नया डेटा उसमें डालना है, तो वही लैंग्वेज है SQL जो मेरी हेल्प करने वाली है, और इसके अंदर चलती है क्वेरीज. ठीक है, तो हम क्वेरीज की मदद से ही अपने डेटाबेस से, वो जो कह रहे हैं ना कि टॉक टू द डेटाबेस, तो हम बात तभी कर पाएंगे जब हमें क्वेरीज पता होंगी. ठीक है, तो क्वेरीज हम लोगों को याद है जो रखनी पड़ेंगी. ओके, अब आगे चलते हैं. अब आगे चल करके आता है व्हाट इज की, की क्या है. हाँ, कोई कह देगा कि मैम ये वाली कीज है हमारी, है ना. नहीं, इन कीज की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर कीज की बात कर रहे हैं जब हम डेटाबेस की बात करते हैं. ये एट्रीब्यूट पर अप्लाई होती है, और आपके टेबल का जो डेटा है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हम इन कीज का यूज करते हैं. अ की इन DBMS इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल इन अ रिलेशन या फिर टेबल. मैंने आपको बता दिया कि ट्यूपल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रो होगा. रिलेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेबल होगी. तो हम एक एट्रीब्यूट पर या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई करते हैं इन कीज को, ताकि हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाए. ठीक है, सो कीज आर ऑल्सो यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स. दो टेबल्स हैं, आपने उनके अंदर रिलेशन क्रिएट कराना है, तब भी हम कीज का यूज करते हैं. तो ये जो रिलेशनशिप क्रिएट कराती है, ये हमारी फॉरेन की होती है, जिसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ओके, अब जैसे कि आपके पास में कुछ रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, राधा प्रिया, राधा सुनीता, राधा राधा. अब यहां पर आपको कुछ मिसमैच सा नहीं लग रहा है कि यार राधा चंडीगढ़ 35 काफी बार आ गया है, क्या ये वही रिकॉर्ड है सेम, या फिर ये गलती से आ चुका है, या फिर अलग अलग है, कुछ पता नहीं चल रहा है. तो ऐसे में अगर हमारे पास इनका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर वगैरह कुछ भी ऐसा होता जो कि यूनिक होता, तब हमें ये कंफ्यूजन नहीं होता. तो यहां पर हम कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स को रखेंगे कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाए हमारे रिकॉर्ड्स को, तो हम ऐसी आगे चल करके गलती ना करें कि भाई मल्टीपल टाइम ही डेटा आ रहा है.
है ना, कुछ मिसिंग हो रहा है, तो ऐसी चीजें होंगी तो फिर डेटाबेस की जरूरत मतलब कहाँ महसूस होगी, क्योंकि जब हम गलत ही डेटा एंटर कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हमारी मदद करेंगी यही कीज कि हम अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाए। तो हमारी जो पहली की आती है विच इज प्राइमरी की, जिसकी शर्तें क्या है, पहली तो है कि प्राइमरी की इट्स लाइक अ क्वीन, एक टेबल एक प्राइमरी की। अब जो भी प्राइमरी की बनाओगे ना, वो एट्रीब्यूट मस्ट एक यूनिक उसमें डेटा होना चाहिए, और उसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं है जो आप रख सकते हो, नहीं रख सकते नल वैल्यू, उसमें डेटा हमेशा यूनिक आएगा और नॉट नल आएगा, ठीक है। तो इट शुड बी नॉट नल एंड यूनिक। आप आसान शब्दों में कह लो कि प्राइमरी की है जो हमारी, वो एक टेबल में एक रहेगी और इट डज नॉट हैव द डुप्लीकेट वैल्यू, या तो आप ऐसे लिख लो या कह दो कि भाई आएगा ही यूनिक डेटा। ओके, अब आते हैं प्राइमरी की की परिभाषा, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की आपकी ये होती है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी टेबल के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब इसमें से आपने कहा कि मेरे को प्राइमरी की किसको बनाना है, किसको बनाना है, आप इसको बना सकते हो प्राइमरी की, इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, तो ये तीनों ही क्या होंगे, प्राइमरी की बनने के लायक हो गई, मतलब उसके कैंडिडेट्स होंगे प्राइमरी की बनने के लायक, है ना। तो यही हमारी क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है, यही हमारी कैंडिडेट की है। आपने इसको मान लो प्राइमरी की बना दिया, तो ये जो दो पीछे बच गई ना, यही क्या हो जाएंगी हमारी, यही हो जाएंगी हमारी अल्टरनेट कीज। तो यही कह रहा है कि आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज द एट्रीब्यूट चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन। एक रिलेशन यानी कि एक टेबल है जिसमें से आपने कैंडिडेट कीज निकाली कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, एक को आपने प्राइमरी की बना दिया, बाकी जो बच गई ना उनको अल्टरनेट कीज का नाम है जो आपने दे दिया। फॉरेन की, नाम से ही काम का पता चल रहा है कि फॉरेन की, दूसरी टेबल की है ये, ठीक है। अब देखो एक टेबल है आपके पास में जिसमें आप डॉक्टर का और आप पेशेंट का रिकॉर्ड है जो आप रखते हो, अब ऐसे में क्या होगा, डुप्लीकेसी होगी, गलत रिकॉर्ड भी आ सकता है कि इसमें आप कोई ऐसे ही डॉक्टर का नाम डाल दो जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर है ही नहीं है, तो अब इसमें इनकंसिस्टेंसी होगी डेटा की, है ना, मतलब आपका डेटा सही नहीं है। तो अब हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि पेशेंट को अलग कर दिया, डॉक्टर को अलग कर दिया, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है कि दोनों को आपस में रिलेट कैसे कराएंगे, कौन से पेशेंट को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा जब हमारी फॉरेन की फॉर्म में आएगी। अब एक टेबल एक प्राइमरी की, ये तो चीज आपको पता है कि वन टेबल वन प्राइमरी की, इस टेबल के पास अपनी प्राइमरी की है, इस टेबल के पास अपनी प्राइमरी की है, ये चीज हमें पता है। अब एक टेबल की प्राइमरी की मैंने दूसरी टेबल के साथ जोड़ी, तो ये वहां पर प्राइमरी की नहीं है, ये वहां पर फॉरेन की का दर्जा है जो इसको मिल जाएगा, ठीक है। किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की किसी और टेबल के साथ रिलेट होती है तो हम उसको वहां फॉरेन की बोलते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम दो टेबल्स को आपस में रिलेट कर पाए, ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। अ फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस या मोर देन टू रिलेशंस, यानी कि टेबल। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर या इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। इसके अंदर फॉरेन की में वही डेटा आएगा जो आपकी प्राइमरी की में है, आप कोई और डेटा नहीं डाल सकते इसके अंदर। मैं चाहूं कि मैं यहाँ पर डाल दूं पांच नंबर डॉक्टर डाल दूं, जो यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर डाल ही नहीं सकते आप। हाँ, इसमें नल जरूर आ सकता है आपका डेटा, फॉरेन की नल हो सकती है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो फॉरेन की में जितना भी डेटा आएगा वो प्राइमरी की से ही आएगा। ओके, दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन विच इज यूज टू रेफर द कंटेंट फ्रॉम अनदर रिलेशन बिकमिंग फॉरेन की इफ इट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस्ड रिलेशन द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन रिलेशन। बस इसी को ही इसने फॉरेन रिलेशन का नाम है जो दिया है, कि वो जो की किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की है वही हम दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसी को फॉरेन की बोला जाएगा, और इसको फॉरेन रिलेशन बोला गया है। आपकी फॉरेन की नल हो सकती है एंड ये फॉरेन की उसी की को बना सकते हो जो किसी टेबल में प्राइमरी की रही होगी, ठीक है। अब इस छोटी सी टेबल में सारी चीजें देख लेते हैं। अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो कौन कौन प्राइमरी की बन सकता है, आपके पास ये तीन बन सकती हैं प्राइमरी की, तो यही आपकी कैंडिडेट कीज हो गई। आपने अगर इसको प्राइमरी की बना दिया तो बाकी जो पीछे बच गई वो आपकी अल्टरनेट कीज हो गई, ठीक है।
अब ये टेबल की जो प्राइमरी की थी आपने इसके साथ जोड़ा तो इसको फॉरेन की का नाम दे दिया, बाकी यूनिक की सुपर की देखने की आपको जरूरत नहीं है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं जिससे हम अपने डेटा को, वही आपकी प्राइमरी की होगी। फॉरेन की यानी कि एक टेबल में पहले तो उसको प्राइमरी की बनना पड़ेगा, फिर दूसरी टेबल में उसको हम फॉरेन की बोलेंगे। प्राइमरी की में नल वैल्यूज कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन इसमें नल वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए अभी इस एक बंदा आया और उसको डॉक्टर मिला ही नहीं, तो उस टाइम के लिए हम नल रख सकते हैं उसको, इट मे नल, ठीक है। अब यू कैन हैव द सिंगल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन कीज हो सकती है। हाउ टू क्रिएट अ टेबल, आपके पास दो तरीके बता रखे हैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग, विजार्ड और डिजाइन व्यू, ठीक है। दोनों का प्रैक्टिकल मैंने आपको करवा रखा है। अब हम बात करते हैं डेटा के टाइप की, यानी कि आप टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर डेटा जाएगा, तो अब डेटा का टाइप क्या क्या हो सकता है। तो आपके पास न्यूमेरिक टाइप है, आपके पास अल्फा न्यूमेरिक है, बाइनरी है, डेट एंड टाइम है, जिस तरीके का डेटा होगा उसी तरीके का उसका टाइप है जो हो जाएगा। जैसे अगर मुझे किसी का एड्रेस डालना है तो आप कैर और वेर कैर डाल सकते हो। मुझे अगर किसी का रोल नंबर डालना है 123 तो मैं उसको इंटीजर दूंगी। किसी का नाम है तो मैं उसको वेर कैर या कैर दूंगी। डेट को डेट है जो रखा जाएगा। तो हर डेटा का एक अपना टाइप है जो होता है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, तो आपको यहाँ, ये बड़ा ही जोरदार और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पिछले साल भी पेपर के अंदर आया था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि अगर आप मेंटेन रखना चाहते हो अपनी टेबल की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, आपके डेटा की कंसिस्टेंसी, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है ये, आप कह लो कि फॉर्म में आती है कि जैसे आपकी दो टेबल है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि इस टेबल में एक प्राइमरी की है, अगर आपको इस टेबल के अंदर उसको जोड़ना है या जोड़ दिया आपने, तो ये वहां पर फॉरेन की के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये भी पता है कि फॉरेन की में जितना भी डेटा आता है वो आपकी प्राइमरी की से ही आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें 101 है, इसमें 102 है और 103 है, तो अब जब फॉरेन की में जब डेटा आएगा, वहां डिराइव्ड होकर के आपका डेटा आएगा, तो आप इसमें 101 डाल सकते हैं, बिल्कुल। आप इसमें 102 डाल सकते हैं, बिल्कुल। आप इसमें 103 डाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप इसमें इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्राइमरी की में डेटा है वो वही वहां पर आएगा। हाँ, तुम नल जरूर रख सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं, 105 दे दोगे नहीं आने देगा। पहले तुम्हें 105 इधर प्राइमरी की में ऐड करना पड़ेगा, फिर तुम जाकर के इधर ऐड कर सकते हो, और ना ही तुम डिलीट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो हमारे जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन आपकी टेबल की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन आर रिलेशन, यानी कि हमारी टेबल में। ओपन ऑफिस बेस में टू और मोर टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट, बिल्कुल हम प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट जिसका यूज करते हो इस चीज को अचीव करते कर रहे होंगे। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपकी रही। एंड अगर हम टेबल को जोड़ने की बात करें तो आपके पास 1-to-1 यानी कि दो टेबल आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट टेबल हो गई, ये टीचर टेबल हो गई, ये आपकी नहीं, स्टूडेंट और टीचर का एग्जांपल नहीं, हम यहाँ पर मान लीजिए ये स्टूडेंट है और ये मान लीजिए उसका सब्जेक्ट है, तो एक स्टूडेंट और उसका एक ही सब्जेक्ट है ना, तो यस ये एग्जांपल रहेगा। 1-to-many में क्या होगा, वो टीचर वाला एग्जांपल, 1 टीचर और फिर कितने सारे उसके स्टूडेंट होंगे, है ना। तो ऐसे हमारे 1-to-1, 1-to-many और many to many, लास्ट ईयर एग्जांपल आया था कि कितने टाइप की रिलेशनशिप्स है जो होती है, है ना। तो आपको बताना था 3, 1-to-1, 1-to-many एंड many to many। 1-to-1 रिलेशनशिप इज द टाइप ऑफ रिलेशन इन अ डेटाबेस डिजाइन वेयर ईच रिकॉर्ड इन वन टेबल इज एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब इसमें कहा है कि द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज लिंक्ड टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। तो ये आपकी एक टेबल है जिसको आपने दूसरी के साथ में जोड़ा, 1-to-1 रिलेशनशिप यहां पर हो गया। 1-to-many में क्या होगा कि एक टेबल उसका काफी सारे रिकॉर्ड्स के साथ इधर आपका क्या है, रिलेशन है, तो ये आपका 1-to-many वाला रिलेशन हो गया। many-to-many कि आपकी बहुत सारा डेटा देखो कैसे एक दूसरे के साथ में ये पैच कर रहा है कि इधर टीचर है, इधर सब्जेक्ट है, और टीचर और सब्जेक्ट और इधर आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ये आपका मेनी टू मेनी में होगा। तो मैंने जब आपको वो प्लेलिस्ट दिखाई थी, मैंने उसमें आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया होगा इन सारी चीजों को। अभी हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं, तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के साथ आपको थोड़ा सा उजागर करा दिया कि भाई ये होता है।
ओके okay, अब हम बात करेंगे व्हाट इज फॉर्म और व्हाट फॉर्म मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे आपने काफी बार फॉर्म वॉर्म फिल किए होंगे है ना, आपने ऐसा कभी फॉर्म तो है जो देखा होगा जिसमें आपको नेम, लास्ट नेम, ईमेल ये सब एंटर करना होता है। तो फॉर्म इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सामने एक आप कह लो जो एक अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो दे दिया है, लेकिन बैकएंड पर आपका डेटाबेस है जो काम कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, यहीं से डेटा की एंट्री कर रहे हो और वो आपके पीछे डेटाबेस के अंदर चेंजेस दें जो आप कर पा रहे हो। तो बस वही इसकी परिभाषा के अंदर है, डेटा फॉर्म इज लाइक डिजिटल पेपर वेयर यू एंटर मोडिफाई इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड वे। इट्स यूजर इंटरफेस विद फील्ड लाइक जिसमें आपने टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, ड्रॉप डाउन विंडो, ऐसा कुछ यूजर इंटरैक्टिव हो गया एक तरीके से है ना। तो मतलब आप सामने से ही चेंजेस कर रहे हो और वो पीछे आपके डेटाबेस के अंदर हो रहा है। आपको कोई क्वेरी या कुछ ऐसा लिखने की जरूरत है जो नहीं पड़ रही। क्रिएटिंग फॉर्म ओपन ऑफिस इन्वॉल्विंग डिजाइनिंग इन अ लेआउट, मतलब आप इसको आप इसको खुद से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन करके आपने एक यूजर को दे दिया, बस अब यूजर एंट्री फिल करेगा और सबमिट वाले बटन पर क्लिक है जो कर देगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट क्या है कि आप अपने आपने जो भी चीजें करी है ना अपने डेटाबेस के अंदर, आप उसकी एक तरीके से समरी यहाँ पर क्रिएट है जो करवाना चाह रहे हो कि क्या चीज हुई है। तो बस वही समरी, एक तरीके से समरी हम करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, इजी तरीके से कि भाई हो क्या रहा है या हुआ क्या है, तो भाई आपकी क्या हो गई, रिपोर्ट हो गई। तो आपने ऐसे इस तरीके से एक रिपोर्ट सी है जो बना ली। तो ये भी इसका भी प्रैक्टिकल होता है। एंड बस दैट्स इट, इतनी सी चीज और हमने खत्म कर दी अपने डेटाबेस के अंदर। अगली क्लास में मैं आपको एसक्यूएल की सारी क्वेरीज एक ही क्लास है जिसके अंदर करा दूंगी। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।